स्टेट पुलिस द्वारा पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस कार्यालय में सैनिटाइजेशन जोन बनाया गया है। सैनिटाइजेशन जोन का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने किया। पुलिस कार्यालय में कई विभाग संचालित होते हैं जहां काफी संख्या में पदाधिकारी और कर्मी काम करते हैं। पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजेशन जोन बनाया गया है। कर्मियों को पहले हैंड वॉश से अपना हाथ धोने के लिए हैंड वॉश और वाटर स्टैंड लगाया गया है। इसके बाद एक शू प्लेट लगाया गया है। शू प्लेट में सैनिटाइजर और ब्लीचिंग पाउडर युक्त पानी रखा रहता है, जिस पर सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को अपने पैर रखने होते हैं ताकि उनके जूते के सोल धुल सकें। इसके बाद दो स्प्रे फैन लगाए गए हैं। स्प्रे फैन की तरह हाथों को फैलाकर हथेली पंखों की तरह फैलानी होती है ताकि उनका पूरा शरीर और हाथ सैनिटाइज हो जाए। इसके बाद एक कारपेट पर उनको चलने के लिए कहा गया है ताकि उनके भीगे हुए जूते सूख जाएं और तभी वे कार्यालय में प्रवेश करेंगे। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को इसी प्रक्रिया का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिसकर्मी और पदाधिकारी दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं और फ्रंट लाइन पर रहकर काम करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। अधिकारियों और जवानों की सुरक्षा के लिए ही सैनिटाइजेशन जोन बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सैनिटाइजेशन जोन को लगातार कार्यरत रखने का निर्देश दिया गया है। इसे धीरे धीरे सभी पुलिस प्रतिष्ठानों में लागू कराया जाएगा। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पुलिस कार्यालय और इसी को हम लोग जो है दूसरे और भी पुलिस कार्यालय और थानों में एक सैनिटाइजेशन कम स्क्रीनिंग की पहल की गई है, जिससे कि हमारे यहाँ जो पुलिस कर्मी काम करने के लिए आते हैं वो एक तरीके से सैनिटाइज होकर के आए। यहाँ पे काफ़ी लोग काम करते हैं तो हालांकि अनुपालन किया गया है उनका रोस्टर बना करके, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक पहल की है जिसके तहत इसमें सबसे पहले जो व्यक्ति है पहले तो वो घर से मास्क लगा करके आएगा, मास्क लगाना मैंडेटरी है। उसके बाद एक वॉश बेसिन साइड में होगा जहां पर एक हैंड वॉश पानी या सैनिटाइजर रखा रहेगा। उसमें 20 सेकंड के आसपास तक हाथों को रगड़ रगड़ करके धोना है, देखना है कि क्यूटिकल्स और जो नाखून है वो भी अच्छे से साफ हो जाए। फिर उसको एक सूखे कपड़े से पोंछना है। फिर वहाँ पे जस्ट आगे एक टब है जिसमें पानी जो है वो ब्लीचिंग पाउडर से मिक्स्ड है और उसमें जो है 5 सेकंड के लिए खड़ा रहना है, जिससे कि जो शू है जो उसका जो शू का जो सोल होता है वो भी सैनिटाइज हो जाए। फिर वहाँ पर एक कारपेट है, उस पर आकर के आप खड़े हो जाएंगे, उसे वो भी उससे आपका जो जूता है वो सूख जाएगा। आगे जो है दो तरफ से हम लोगों ने पंखा कम कूलर की व्यवस्था की गई है जिसमें पानी और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होगा। वहाँ पर प्रत्येक ऑफिशियल जो कर्मी है उसको 5 सेकंड जो है दोनों हथेलियों को सामने करते हुए खड़ा रखते हुए 5 सेकंड के लिए सैनिटाइज होगा। उसके बाद फिर वो ऑफिस के अंदर प्रवेश करेगा और यही चीज़ जो है जब तक ये कोरोना का संक्रमण जारी रहेगा तब तक हम लोग इस चीज़ का अनुपालन करेंगे, जिससे कि हमारे पुलिसकर्मी और हमारा जो ऑफिस है वो काफ़ी सुरक्षित रहे, क्योंकि पुलिसकर्मियों को काफ़ी आगे आकर के जो है सहयोग करना पड़ रहा है तो हमारी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।